गाइज मैं आ चुका हूँ प्याज मार्केट, और प्याज मार्केट की जो मैं आपको कंडीशन दिखाने वाला हूँ, दूर से दूर तक आपको यहाँ पे प्याज नजर आएगी। और प्याज के अंदर आप देख सकते हो काफ़ी बड़ी तादाद में यहाँ पे प्याज होता है। और प्याज के साथ आज जो मैं आपको रेट बताने वाला हूँ यहाँ पे प्याज के, अलग अलग क्वालिटी के, अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग जगह की जो क्वालिटी है वैरायटी है उसके साथ। तो आज हम चलेंगे अंकल के पास। सर आपका शुभ नाम बताइए। राजकुमार जी। राजकुमार जी, तो आपकी फर्म का नाम क्या है? हमारी नेफेड की फर्म है जी। जी, नेफेड नेशनल एग्रीकल्चर जी। ठीक है, NFT गाइस। तो अपने पास जो प्याज है वो कहाँ की और क्या रेट है? नासिक की हमारे पास प्याज आ रही है जी, और ये गुजरात की आती है महुआ। ठीक है, तो नासिक का जो रेट है वो क्या है? नासिक का हमारे यहाँ जी बंद बोलियाँ लगती है, बंद गाड़ी की बोली लगती है। हाँ, 850 से लेकर कल 951 रुपए तक बंद गाड़ी बिकी हमारी। अच्छा, हाँ, तो इसमें 40 किलो माल होता है ना? 40 किलो। और गुजरात की? गुजरात की बिकी जी कल 700 रुपये से लेके 720-730 तक बिकी। नासिक? नासिक बिकी 850 से 950 रुपये। ठीक है, महाराष्ट्र MP? महाराष्ट्र MP की नई गाड़ी कल थी हमारे पास। ठीक है, क्या रेट था सर? MP का रेट जी वो भी वही 850 से 900 रुपये तक। ठीक है, तो आज टोटल गाड़ियाँ कितनी आई है, अरेवल कितना है मार्केट का? हमारे पास जी आज 11 गाड़ियाँ आई। नहीं, आपके पास नहीं सर, आपकी पूरी मार्केट में, प्याज मार्केट में कितनी गाड़ी में जी? कल 40 दिन नीचे उतरी हुई थी और 20 गाड़ी करीब करीब बैलेंस ताज़ी आई। अच्छा, ताज़ी। आज कितनी है? आज जी हमारे पास 11 गाड़ी है। नहीं सर, टोटल मंडी का अंदर पता करो, अंदर पता करना पड़ेगा। ठीक है, तो गाइस जैसे कि कल 40 थी तो आज 50-60, आज बढ़ोतरी है घटोतरी है बराबर है? बराबर ही समझ लो, बराबर ही समझा जाए। ठीक है, तो गाइस आज का ये एक आपको प्याज की रेट भी मालूम पता चला है। सर आपका कॉन्टेक्ट नंबर एक बार बोल दीजिए, मोबाइल नंबर। 98-77-34-39-32 ये सर का कॉन्टेक्ट नंबर है, यदि कोई भी व्यापारी अपना माल यहाँ लगाना चाहे तो लगा सकता है, यदि कोई भी व्यापारी अपना माल यहाँ पे खरीदना चाहे थोक में तो खरीद भी सकता है। थैंक यू एवरीवन गाइस आज का रेट जानने के लिए, थैंक यू सर, धन्यवाद। दूसरा नंबर है जी 97-11-30-34-38। ये सर का दूसरा नंबर है, कोई भी अगर संपर्क करना चाहे तो कर। गाइस मैं आज अदरक मार्केट में आ चुका हूँ, और अदरक मार्केट में जो मैं आज आपको रेट बताने वाला हूँ वो यहाँ के बहुत ही मशहूर जाने माने हमारे बहुत ही अच्छे व्यापारिक सदस्य हैं। और सदस्य के साथ में मैं आपको सबसे पहले उनका परिचय दिखाता हूँ। ये आप देख रहे हैं बोर्ड, और बोर्ड पे मिस्टर राजू कोहली, प्रधान CYA। तो आज मैं सर से आपको फेस टू फेस मिलाने के लिए जा रहा हूँ, हमारे सर जाने माने अदरक के प्रधान जी। सर आपका शुभ नाम बता दीजिए, वैसे तो हम सब जानते हैं जी। हजारपुर सब्जी मंडी से जी। अपनी फर्म का नाम क्या है सर? ओम साईं जिंजर टेलर। ओम साईं सर की फर्म का नाम है। सर आज जो आपके पास अदरक है वो कहाँ का है और क्या रेट है आज का? बेंगलोर का अदरक है, नया अदरक है, 40 गाड़ी नई अदरक की आई है आज जी। और पुराने अदरक की सर? पुरानी गाड़ी कोई नहीं है आज, नहीं है किसी गाड़ी में 50-60 बोरी हो तो बात अलग जी। वैसे जो आज ये 40 रुपए किलो का नए का रेट है? 40 गाड़ी आई है भाई, 40 गाड़ियां सॉरी। बाजार बहुत डाउन है, बाजार है 22 से लेके 24 रुपए किलो जी। हाँ सर, वाकई में डाउन हुआ, 22 से 23 रुपए किलो होता है। और सर अगर पुराने का रेट थोड़ा सा आइडिया दे दें। पुराना अगर रिगोड़ी है बढ़िया क्वालिटी है तो 50 से 55 रुपए, और हिमाचल क्वालिटी अगर बढ़िया सुपर क्वालिटी है वो 60 से लेके 65 रुपए। तो गाइस आज का जो रेट है अदरक का वो सर ने बताया। सर का जो व्यवहार है वो मैं बता दूं, एक छोटी सी बात, बहुत ही अच्छा है, जिसकी वजह से यहाँ पे सर को प्रधानी के लिए चुना गया, और प्रधान है सर यहाँ से। और मैं आपको बता दूं ये सर की पूरी फंड है अपनी, और उसके साथ में जो मार्केट है इसमें प्रधान है सर। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा सर के लिए, इंसान का व्यवहार ही उसकी काबिलियत का भागीदारी होता है, तो सर का व्यवहार ही यहाँ पे है जो बना के रखा है अदरक मार्केट के अंदर। तो थैंक यू गाइस आज का रेट जानने के लिए। और सर का जो बोर्ड देख रहे हैं आप सभी, यहाँ पे चेयरमैन होने के बावजूद भी वो बहुत अच्छे से यहाँ पे इंटरव्यू अपने रेट बताते हैं, अपने व्यापार को आगे बढ़ाते हैं, उसका बहुत ही अच्छे से हम सबको समझाते हैं। थैंक यू सर, धन्यवाद। हेलो गाइस, मैं आ चुका हूँ एक बेहतरीन सब्जी की मार्केट में, और सब्जी मार्केट में जो आज हमारे पास, आप दुकान का नाम देख सकते हैं, इस पर एड्रेस भी होगा, लाइसेंस नंबर भी होगा, सारी चीज़ें, और सारी चीज़ों के साथ में जो आज मैं बताऊंगा आपको रेट, वो आंवला के रेट बताने वाला हूं। और आंवला के जो रेट हमें बताएंगे खुद हमारे सर भोलानाथ जी बताएंगे, तो भोलानाथ सर के पास मैं लेके चलता हूं। सर आपका शुभ नाम? मेरा शुभ जाहिद है जी। जाहिद भाई, अपने पास जो अपनी फर्म का नाम है भोलानाथ है ना जी, तो सर अपने पास जो आंवला ये कहाँ का और इसका क्या रेट है आज का? आंवला जयपुर का है मेरा पास जी। रेट है 24 से 28 तक, 24 रुपए से 28 रुपए पर केजी का। आपकी जो पैकिंग होती है मिनिमम कितनी होती है? वो
40 से 50 किलो तक। 40 से 50 किलो की होती है, तो आप अकॉर्डिंग ऑफ वजन के हिसाब से इसका रेट लगा के उसको बेचते हैं। हाँ जी। कोई ऐसा नहीं कि बॉक्स इतने का है तो इसका प्राइस फिक्स है, वैसा नहीं। किलो काट होता है इसमें बस। जी, ऐसा एक किलो काट होता है, उसके पैसे माइनस हो जाते हैं, लेस होते हैं, माइनस हो जाते हैं। और इसका खर्चा वगैरह भी ऐड हो गया इसमें, 40 रुपये खर्चा एक्स्ट्रा, 40 रुपये खर्चा एक्स्ट्रा होता है। तो गाइज, ये प्रोसेस होता है वेजिटेबल परचेज करने का और सेल्स करने का। तो यदि कोई अपना माल आपके पास लगाना चाहे लगा सकता है। सर, आंवला के अलावा कटहल भी अपने पास रखा हुआ है, जैसे कटहल का क्या होगा? हमारे पास कोई भी लगा सकता है, लेकिन कमीशन पे बेचते हैं। यानी कि माल कोई भी लगा ले, उसका माल जितना होगा उसका कमीशन आप काट के उसको माल वापस देते हैं। मोस्टली व्यापारियों का माल इसी तरीके से बेचा जाता है, है ना? तो मंडी के अंदर, क्योंकि आप अपना आरती अपनी जगह का इस्तेमाल कराता है, उसको बेचता है, उस पर फिर मेहनत भी करता है, सारी चीज़ें करने के बाद में उसका कमीशन तो उसका बनता है गाइस, ये बिल्कुल सही बात है। तो अपना कॉन्टेक्ट नंबर एक बार बोल दीजिए, आपसे मोबाइल नंबर 9999939397 84। ये सर का कॉन्टेक्ट नंबर है, यदि कोई भी व्यापारी अपना माल यहाँ लगाना चाहे तो लगा सकता है, यदि कोई भी व्यापारी अपना माल थोक में खरीदना चाहे तो खरीद सकता है। वैसे सर, अपने पास जो माल लगता है वो क्या क्या लगता है ज्यादातर? हमारे पास रहते हैं आंवला, कटहल जी, ये दो चीज़ हमारे पास 12 महीना लगता है, ये दोनों चीजें 12 महीने रहता है। बाकी और जो वेजिटेबल लगाना चाहे लगा सकता है, बाकी और जो भी है, परवल है, गवार है जी, अगर जो भी आता है बस। ठीक है, तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया, सर के पास में दो आइटम हमेशा मिलेंगे, कटहल और आंवला। सर, कटहल का रेट हम भूल गए, कटहल का रेट आज का है 38 से 40, 38 से 40 रुपए पर केजी का। जी, जितना इस कट्टे में वजन होता है उतना उसके हिसाब से मिल जाता है, राइट सर? गुड। तो गाइस, जैसे कि मैंने बताया, आंवला और कटहल परमानेंट मिलेगा, बाकी जो और वेजिटेबल है आप लगाना चाहे तो लगा सकते हैं। थैंक यू एवरीवन, आज का रेट जानने के लिए। मैं आपको एक बार फिर से बोर्ड दिखा दूं, जायद भाई ने आज हमें रेट बताया, भोलाना सर की कंपनी आड़त है, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू गाइस। गाइस देखो, मैं आपको कटहल की गाड़ी भी दिखा दूँगी, ये कटहल इस तरीके से आता है और कितना मजा आ रहा है इसे देखने में। मैं आपको बताया चला, बिल्कुल ऐसा लग रहा है मैं केरल में हूँ। कहाँ का होता है कटहल अंकल? केरल, राइट ना? आई एम राइट, मतलब केरल का मैंने नाम लिया, बाकी नहीं केरल का निकला। थैंक यू, वैसे मुझे पता नहीं था आपसे पहले। पता, मैं वेजिटेबल मार्केट में और आज जो आपके सामने प्रेजेंट करने जा रहे हैं, जिमीकंद है, एक जो धरती के अंदर मतलब उगता है, जैसे आलू उगाया जाता है वैसे उगता है ना भाई। और ये जिमीकंद के तो आज हमें आरती साहब है, वो भी मैं आपको बता दूँ, और उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी मिलेगा आप सबको, वो सब आपको देखने के लिए भी मिलेंगे, और देखने के साथ साथ आपको इनके रेट भी बताए जाएंगे। यहाँ पे जो शिमला भी है, कैप्सिकम जिसे हम बोलेंगे, बीन्स भी रखा है, लौकी भी है, तो आज का जो हमें रेट बताएंगे आज हमारे सर बताएंगे। सर, आपका शुभ नाम बता दीजिए प्लीज। मेरा नाम शुभ नाम राम सागर है जी। अपनी फर्म का नाम? अपनी फर्म का 412 दुकान है जी, DKS फर्म है जी। क्या चीज का रेट सर? आज जैसे कि आपने पास वो जिमीकंद रखा है, जिमीकंद 15 रुपए किलो बिक रहा है जी, बीन 55 से 60 रुपए किलो बिक रहा है। सर, जिमीकंद कहाँ का है? जिमीकंद ये बिल्ली मोरा आता है महाराष्ट्र से जी, और ये बिल्ली मोरा में मतलब वहीं भी पैदावार होती है इसकी? वहीं पे पैदावार। और कितनी जगहों पे पैदावार होती है उसके अलावा? 3-4 जगह होता है, अभी यहाँ से आ रहा है जी, तो ये अभी महाराष्ट्र का ही आ रहा है जी, और ये 14 से 15 रुपए किलो बिक रहा है आज का रेट जो है, आज का रेट। ठीक है सर, अपने पास बीन्स भी रखा है, जैसे कि हम देख रहे हैं गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं एकदम फ्रेश बीन्स है, और इस बीन्स का जो आज रेट बताने वाले हैं फिर से सर बताएंगे। सर, क्या रेट है बीन्स का? बीन 55 से 60 रुपए किलो बिक रही है जी। और ये बीन्स है कहाँ की सर? ये बीन्स हिमाचल से आता है, अभी हिमाचल से आ रहा है अभी जी। और एक बार आपके पास कैप्सिकम, आप सॉरी शिमला मिर्च, शिमला मिर्च है, शिमला मिर्च अब यूपी का चालू हो गया लोकल वाला जी, ये 55 से 60 रुपए किलो बिक रही है। 55 से 60, तो बीन्स भी और शिमला मिर्च भी दोनों 55 से 60 है, ये दिल्ली आजादपुर होलसेल का रेट है, होलसेल का रेट। ठीक है, और अपने पास लौकी भी रखा है सर, लौकी का भी रेट बता दीजिए। लौकी 25 से 30 रुपए किलो बिक रही है, ये अभी रायपुर मध्य प्रदेश से आ रही है। ठीक है, और आज जो रेट रहा है वो भी आपने क्लियर किया, ये आप ही का फोटो है सर? राजू अच्छा, तो राजू कोहली सर का। ठीक है, तो सर आपके पास अगर कोई व्यापारी अपने माल की गाड़ी लगाना चाहे तो लगा सकता है? आराम से लगा सकते हैं, हमारा आरत है जी, किसी तरह का दिक्कत नहीं है। पेमेंट नेक्स्ट डे होता है, आज माल बिका कल सुबह पेमेंट। हाँ। तो गाइस जैसे पेमेंट का भी क्लियर किया है सर ने और अपना वो भी दिया। सर, आपका कॉन्टेक्ट नंबर एक बार बोल दीजिए, मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर मेरा है 8588 जी 041 608। ये सर का कॉन्टेक्ट नंबर है, यदि कोई भी व्यापारी अपना माल यहाँ लगाना चाहे तो लगा सकता है, यदि कोई भी व्यापारी अपना माल यहाँ पे खरीदना चाहे थोक में तो खरीद भी सकता है। कृपया करके, ये थोक के रेट है गाइस, दिल्ली होलसेल एशिया की सबसे बड़ी मंडी के। तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे जो आप संपर्क करेंगे वो थोक के लिए करेंगे, कोई भी फुटकर के लिए नहीं करेगा, क्योंकि फुटकर का जो रेट है
वो यहाँ से ले जाने के बाद जो छोटा व्यापारी होता है वो इसे ले जाता है, उसमें अपनी मेहनत लगाता है, उसे मेहनत लगाने के बाद में उसे सफाई ग्रेडिंग वगैरह करता है, आप सब कुछ हाट छूटना, और उसके बाद उसका सारी चीज़ों का क्लियर करके उसका किराया भाड़ा सब जोड़ करके उसके बाद उसका रेट डिसाइड करता है, उसमें उसकी मेहनत मजदूरी भी होती है। तो गाइज ये जो होलसेल का रेट है, बाकी जो मजदूर का रेट है वो अलग होता है, तो आप सबका ध्यान रखें इस चीज़ का। थैंक यू एवरीवन। गाइज मैं आ चुका हूँ नींबू मार्केट, और नींबू मार्केट में जो आज का हमें रेट बताने वाले हैं, हमें हमारे सर बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूँ नींबू में बहुत ही ज़्यादा गिरावट आने के कारण सारे व्यापारी और आड़ती एकदम सुस्ती ले बैठे हैं, देखो अपनी अपनी जगहों पे। और जो आज का रेट हमें बताने वाले हैं, सारी की क्रेटें लगी हुई हैं, या तो माल बिक चुका है या माल खरीदने वाले हैं। सर आपका शुभ नाम बता दीजिए। सर थोड़ा इधर, हाँ सर क्या नाम है सर? थोड़ा तेजी से बोलिए सर, जैसे माल बेचने के टाइम पे आप लोग शोर में चाहते ना उसी अंदाज के साथ बताइए जी। आपके पास अपनी फर्म का क्या नाम है सर? ओके ठीक है। तो सर आज जो नींबू है वो मतलब बिल्कुल सब शांत बैठे हुए हैं, इसका रीजन है सिर्फ मंदा है दीपावली की वजह से। दीपावली की वजह से मंदा चल रहा है तो कोई फोकस नहीं, इसीलिए सब सुस्ती लिए बैठे हुए एकदम शांति के साथ। 15 रुपए किलो कितना? 10 रुपए किलो 15 रुपए किलो इतना कम? गाइस आज वाकई में लूट मचा लो सभी आगे यहाँ पे, क्योंकि 10-15 रुपए किलो और 20 रुपए किलो अगर नींबू मिल रहा है जो कि हम 80 रुपए किलो से खरीद चुके हैं, तो गाइस वाकई में वो मंदा है। और आइए ज़्यादा से ज़्यादा नींबू का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि हम सबको ज़रूरत होती है। अगर गुंजाइश होती है तो हम इसे हफ्ते भर भी रख सकते हैं ना, अगर सही उसका मटेरियल होता है तो। गाइस हफ्ते भर का आजकल में राशन खरीदो यहाँ से और लेके जाओ, क्योंकि सस्ता मिल रहा है, क्योंकि आने वाले टाइम में त्यौहार आ रहा है तो बढ़ेगा रेट, बढ़ेगा ना सर? फिर आने वाले टाइम में बढ़ेगा। तो यदि कोई अपने माल की गाड़ी आपके पास लगाना चाहे या माल खरीदना चाहे, उसके लिए आपका कॉन्टैक्ट नंबर मिल सकता है? कॉन्टैक्ट नंबर बोल दीजिए एक बारी। कॉन्टैक्ट नंबर 9894-7711। ये सर का कॉन्टैक्ट नंबर है, यदि किसी भी व्यापारी को अपना माल लगाना है या किसी भी व्यापारी को थोक में अपना माल खरीदना है बेचने के लिए, तो संपर्क कर सकता है इस कॉन्टैक्ट नंबर पे। मैं आपको बता दूं वाकई मंदी है आज, और मंडी के अंदर जो नींबू है उसकी पोजीशन आपको बताई गई काफ़ी सस्ती, और मटेरियल जो है वो बिका बहुत ही कम है ना सर? तो सारा आज अरेवल कितने बजे गाड़ी होगी? आज 12 गाड़ियाँ 12 गाड़ियाँ हैं आज। गाइज थैंक यू। हेलो एवरीवन, गाइज मैं आ चुका हूँ मिर्ची मार्केट, यानी कि मिर्ची का जो हमारी ज़िंदगी में बहुत ही अहम रोल होता है, क्योंकि अगर ये नहीं तो हमारे पास स्पेशल नहीं होती तो हमारा जो टेस्ट है वो बेकार ही रहता है। तो उसको बताने के लिए जो आज रेट बताएंगे हम हमारे सर बताएंगे, और सर आपका शुभ नाम बता दीजिए। प्रीतम नाम। प्रीतम सर, प्रीतम सर अपनी फर्म का नाम क्या है? अरे हमारा ये नाम है सुशील सेट्टी के नाम से जी। तो अपने पास जो ये मिर्ची है कहाँ की है? कानपुर की। कानपुर की, क्या रेट है आज का? आज का 22 से 23 रुपए। 22 से 23 रुपए किलो। तो ये जो सर मिर्ची है ये तीखी वाली है या नॉर्मल वाली है? तीखी वाली है। और जो नॉर्मल वाली है मोटी वाली मिर्च, उसका क्या रेट रहा है इसका? आपके पास दो और कौन कौन सी? यही आती है आपके पास 12 महीने मिलती है या कभी? 12 महीने मिर्ची का काम है। ठीक है, थैंक यू गाइज आज का रेट जानने के लिए, धन्यवाद आपका। और भी मिर्चों की वरायटी है। हेलो गाइज, मैं जैसे कि एक भाई ने मेरे को बोला था केले का, कच्चे केले का रेट देने के लिए, तो कच्चे का केला जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो आप देखो, ये देखो कितना मज़ा है यहाँ पे, और ये देखो एकदम क्वालिटी इसमें यहाँ पे जो मिलेगी आपको देखने में मज़ा आ रहा है। केले को भाई थोड़ा सा साइड में, ये इसका फूल होता है ना, केले का फूल। तो वाकई में यार नेचर में बहुत मज़ा आया, देखा जाए तो उसे देखने में भी बहुत सुकून सा मिलता है। भाई ये कहाँ का केला है? बहराज का है। और इसमें क्या रेट चल रहा है आज का? आज का तो ये 20 रुपए 20 रुपए किलो पर केजी का। हाँ जी, तो एक किलो के हिसाब से मिलता है कच्चा केला? हाँ जी। ठीक है, तो गाइज ये बहराइज का है और 20 रुपए किलो का है केला, और जैसे हमने देखा है ना ज़्यादातर वो साउथ वाले लोग चलते हैं इसे लेके, तो ये वही चीज़ है, मैं उसको वही दिखा रहा था अभी आपको, तो देखो कितने मज़े से। थैंक यू गाइज आज का रेट जानने के लिए, थैंक यू। मैं हूँ कच्चे पपीते की मार्केट में, और कच्चा पपीता जो आप देख रहे हैं ये कच्चा पपीता है, और कच्चे पपीते के जो आज हमें रेट बताने वाले हैं हमें हमारे सर बताने वाले हैं। सर आपका शुभ नाम बता दीजिए। जी गाइस यहाँ ये ओपन है इसका, आप देख सकते हैं कच्चा पपीता, जैसे कि आप सबकी रिक्वायरमेंट थी कि कच्चा पपीते की भी रेट बताओ, तो पपीते के रेट जो हैं आज के कच्चे के 10 रुपए किलो है ये पपीता है, और एक कट्टे के अंदर जितना भी वजन होता है उसके अकॉर्डिंग सा रेट लग जाता है, तो कुछ खर्चा ऐड हो के आप सबको मिल जाता है। थैंक यू एवरीवन आज का रेट जानने के लिए।